तो आज मैं बात करने जा रही हूँ जलपाईगुड़ी के बारे में, जो इंडिया का बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्वक एक शहर है। थोड़े बहुत हम शेयर करेंगे जलपाईगुड़ी के फैक्ट के बारे में और जानेंगे कैसा जलपाईगुड़ी जगह है, इधर के लोग कैसे हैं, क्या कल्चर है, ट्रेडिशन कैसा है और डेवलपमेंट कैसी है, यही बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जलपाईगुड़ी जिला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है। यहाँ पे बंगाली, नेपाली और राजवंशियों का प्रचलन है। जलपाई मतलब जैतून और गुड़ी मतलब होता है जगह। इन दोनों शब्दों से जलपाईगुड़ी शब्द आया है। इस शहर में तीस्ता नदी बहती है, जो पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ी नदी है। यह ब्रिटिश इंडिया ने 1869 में खोजा था। यह शहर कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच का घर है। जहाँ जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर है। नवनीति जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और बिशप बांग्ला केंगरसन है। बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, जिसमें से बिग बाज़ार, विशाल और रिलायंस ट्रेंड जैसे लोकप्रिय हैं। यह अपने जुड़वा शहर सिलीगुड़ी से 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दो शहरों का विलय इसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा महानगर बनाता है। नगर पालिका प्रशासन जलपाईगुड़ी नगर पालिका की जिम्मेदारी है, जो कोलकाता, हावड़ा, ब्रह्मपुर, बर्धमान और सिउरी के बाद पश्चिम बंगाल में छठी सबसे पुरानी नगर पालिका है। यहाँ पे दीन बाज़ार को सुपरमार्केट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है, जैसे कपड़े, खिलौने, फल, सब्जी, मछली, राशन, दवाई और सब कुछ। ۱۸۵۵ में स्थापित इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसे शहर के सभी निवासियों द्वारा चुना जाता है। इसमें 25 बाई हैं, जो वार्ड पार्षदों का चुनाव करते हैं। यहाँ का जो आदि राजबाड़ी है, वह भी बहुत जागृत है। यहाँ के मेले में बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा कुछ जगहें जैसे एलिस पार और राजबाड़ी पार्क में लोग सभी अवसरों पे घूमने के लिए जाते हैं। जिले में मुख्य रूप से एक ग्रामीण आबादी शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में एससी एसटी मौजूद हैं। एक बड़ी आबादी चाय बागानों में भी रहती है, जो पूरे ज़िले में फैले हुए हैं। चाय, इमारती लकड़ी और पर्यटन इस ज़िले का व्यापार उद्योग की रीढ़ है। पूरे ज़िले में कृषि और पशुपालन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह उन टूरिस्ट के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति से उसके शुद्धतम रूप से जुड़ना चाहते हैं। मूर्ति, चपरामारी और गरुमारा जैसे वन क्षेत्रों में स्थान देश भर में सबसे अधिक मांग वाले वन स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के जीवों में भारतीय वन सिंह वाले गेंडे, हाथी, तेंदुए, सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, किंग कोबरा जैसे वन्य जीव शामिल हैं। एक लोकप्रिय लोकगीत धामगान है, जो पौराणिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। भवैया बह लोकगीत है, जिसे राजवंशी गाते हैं, जो ईश्वर और मनुष्य के प्रेम का विवरण देता है। भंगरुम्बा नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है। इस क्षेत्र के कुछ पारंपरिक भोजन में मोमो, किनवित, बांस के अंकुर, सूखी मछली से ताज़ा मछली का अचार,
डाक बांग्लो चिकन, स्थानीय स्वाद वाले चीनी व्यंजन जैसे गुड़ रसगुल्ला, सिंपल रसगुल्ला और दोई मिष्टी। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में या कुल्लड़ में जलपाईगुड़ी की चाय की सुगंध अद्भुत होती है। तीस्ता बुरी पूजा विविध धार्मिक पहलू का प्रतीक है। जलपाईगुड़ी के लोग मनसा पूजा और हित धुनिक भी करते हैं। दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे इन प्रमुख त्योहारों के अलावा बहुत ही धूमधाम शो के साथ मनाया जाता है। इन हिंदू धार्मिक अवसरों के अलावा चर्च में न्यू ईयर, क्रिसमस और मस्जिद में ईद भी मनाया जाता है। त्योहारों के समय डीबीसी रोड, कदम ताला और मर्चेंट रोड, दीन बाजार में बहुत ही भीड़ होती है। स्टेट हाईवे में लाइट को से सजाया जाता है। हर त्योहार में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। जलपाईगुड़ी में हैंडक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इधर बैम्बू से बहुत सारा सामान बनाया जाता है। हैंडक्राफ्ट से बने हुए बैम्बू क्राफ्ट्स भी आप देख सकते हो, जिसके साथ गिफ्ट आइटम भी इंक्लूडेड हैं। तो जैसे मैं बात कर लूँ, जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी बहती है, जिसकी वजह से शहर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज बनाए गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। मैं बात करती हूँ एयरपोर्ट की, तो जलपाईगुड़ी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। रेलवे की बात करती हूँ तो यहाँ पे तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन में से जैसे एनजीपी रेलवे स्टेशन, टाउन स्टेशन और रोड स्टेशन मौजूद हैं। बात करूँ तो बस स्टैंड की, यहाँ पे 5 से 6 बस स्टैंड हैं, जिनमें से खास है शांतिपारा बस स्टैंड, कदमताला बस स्टैंड। तो बिहारियों की छठ पूजा केरला नदी के घाट में हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। तो बात कर ले जलपाईगुड़ी के लोगों के बारे में। जलपाईगुड़ी के लोग बहुत ही मीठे स्वभाव के होते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्पफुल होते हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं। बात कर ले जलपाईगुड़ी के बच्चों के में क्या क्या एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर इधर लोग संगीत को बहुत ज़्यादा महत्ता देते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे संगीत सीखना शुरू कर देते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी उसमें, जिसमें खेल भी बहुत सारे शामिल हैं। तो जलपाईगुड़ी एक डेवलपिंग सिटी है, इसमें बहुत सारी अभी डेवलपमेंट देखी जा सकती है। पहले ये बहुत शांतफुल एरिया था, पर अभी बहुत सारे लोग आके इधर प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी बन रही हैं, जिससे ये सिटी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है। तो वही मैं बात कर लेती हूँ जलपाईगुड़ी की पॉपुलेशन के बारे में। ये जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ, ये 2021 से के माध्यम से लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जलपाईगुड़ी की पॉपुलेशन है 401,072 लोग। तो अभी बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी के वेदर के बारे में। जलपाईगुड़ी का वेदर बहुत ही अच्छा वेदर है। गर्मियों के दिनों में इधर गर्मियां होती हैं, पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, 35 to 38 के बीच में इधर टेम्परेचर गर्मी में रहता है। इधर मॉनसून भी बहुत ज़ोरदार होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, मॉनसून ज़्यादा ही होता है, और ठंड में इधर ठंड भी नॉर्मल तरीके से ही होती है। तो जो जलपाईगुड़ी के नज़दीकी वाले हिल स्टेशन हैं, उनमें से कुछ का नाम है कालिंपोंग, कर्शियंग, मिरिक और दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन शामिल हैं। तो इधर के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आपको जगह जगह पे जलपाईगुड़ी के बिल्कुल कोने कोने में एक ना एक रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा, जिसमें आप ट्रेडिशनल खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इधर के लोग इन ज्वेलरी में, गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं गोल्ड ज्वेलरी को पहनना और ख़रीदना। वो हर एक त्यौहार के अवसर पर यहाँ के लोग ज्वेलरी ख़रीदते हैं और कपड़े ख़रीदते हैं और घूमते हैं, पूरा मज़ा करते हैं।
तो मुझे यकीन है जो मैंने आपको जलपाईगुड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आपके साथ फैक्ट शेयर किए हैं, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।